जारी करते हुए मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कुशेश्वर स्थान के त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में समैला टावर चौक पर सैकड़ों बहनों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, जब से हम छात्र संघ का के अध्यक्ष बने थे उसी समय से विगत 8 साल से हर बार कार्यक्रम आयोजित कर भाई बहन के बीच जो अटूट प्यार प्रेम स्नेह व सम्मान है, यह परंपरा समाज के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण से सदैव स्थापित रहे, जिसका उदाहरण का अंग बनने के लिए आयोजित करते हैं। यह रक्षाबंधन कार्यक्रम हर साल अलग अलग जगह मनाया जाता है ताकि समाज के अंदर एक सकारात्मक संदेश जा सके। वहीं छात्रा अनुराधा कुमारी ने कहा कि हम सभी लड़कियों को के लिए गर्व की बात है कि त्रिभुवन कुमार सदैव पूरे कुशेश्वर स्थान के एक एक गांव के लोगों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं और कहीं भी स्कूल कॉलेज ब्लॉक या किसी जगह कोई समस्या आती है तो वह उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। दरभंगा हायाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत लूटकांड की पुलिस ने उद्भेदन किया। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से कोयला कुंड सभी आरोपित निवासी रणधीर कुमार सिंह के पुत्र बलवंत कुमार, शैलेंद्र सिंह के पुत्र सौरभ कुमार सिंह, ललन सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार सिंह, राघवेंद्र कुमार सिंह के पुत्र सुजीत कुमार सिंह उर्फ गोलू गिरफ्तार किए गए। पिस्तल के साथ कई कारतूस, लूटी गई मोबाइल फोन, सिम और पैसे बरामद किए गए। इस संदर्भ में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट थाना क्षेत्र के पश्चिमी विलासपुर के कटानी के पास 29 अगस्त की रात्रि हायाघाट थाना क्षेत्र के ओलियाबाद निवासी भगलू पासवान के पुत्र शिव कुमार को पिकअप से जाने के क्रम में अपराधी कर्मी समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र ने लूटपाट कर घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में शिव कुमार के द्वारा एक लिखित आवेदन हायाघाट थाना को दिया गया था। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस घटना से कुछ देर पूर्व हायाघाट थाना क्षेत्र विलासपुर निवासी मोहम्मद सादत को भी कटानी के पास अपराधी कर्मियों के द्वारा एक मोबाइल फोन और 800 रुपए लूटपाट की घटना सामने आई थी। उसको सख्ती से उसका किया गया तो उसने बताया कि चोरी का मोटरसाइकिल है। हाँ, उसके बाद बताया कि दो जगह छापामारी कीजिएगा तो चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हो जाएगा। तो उस अनुसार मोहम्मद नूर आलम के यहाँ छापामारी किया गया तो एक मोटरसाइकिल चोरी का बरामद हुआ तथा एक बीवी बुजुर्ग बालक है उसके यहाँ दो मोटरसाइकिल बरामद हुआ। कुल कितना मोटरसाइकिल बरामद हुए? कुल 4 मोटरसाइकिल। धूमधाम से दरभंगा में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर कलाई पर बांधी राखी। रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रति वर्ष सावन माह के पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा दिवस पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों में राखी बांधती है और उनके स्वास्थ्य व जीवन के सफल होने की कामना करती है। दरभंगा में बढ़ते मच्छरों को देखते हुए दरभंगा नगर निगम की ओर से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में फॉगिंग कराया गया मच्छरों को समाप्त करने के लिए। दरभंगा में काफी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में मच्छरों की काफी तादाद बढ़ गई है। इसको लेकर समय समय पर दरभंगा नगर निगम की ओर से विभिन्न वार्डों में फॉगिंग कराकर मच्छर को खत्म करने का काम किया जा रहा है। शाम की यह तस्वीर है, नगर निगम की ओर से फॉगिंग कराया गया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के कई हिस्सों में फॉगिंग कराया गया। इसके अलावा दरभंगा शहर में रोड में भी फॉगिंग कराया गया। हालांकि निगम क्षेत्र में कई वार्डों में मच्छर की विषम समस्या है, इसको लेकर लोगों की ओर से लगातार मांग किया गया फॉगिंग करने को लेकर। जिस वार्ड में मच्छर भगाते हुए फॉगिंग होता है वहाँ के लोग थोड़ा खुश जरूर नजर आते हैं। समाहरणालय में स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक अलीनगर मिश्री लाल यादव, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्रों की युक्तिकरण के लिए प्रकाशित
प्रारूप सूची पर विमर्श के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों को सूचीबद्ध कर प्रारूप बनाया गया है। बताया गया कि वर्तमान में जिले में 2931 मतदान केंद्र थे, जिनमें 8 मतदान केंद्र जोड़कर 2939 मतदान केंद्र बनाया गया है। बैठक में वैसे मतदान केंद्र जिनके भवन जर्जर हो गए हैं या जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1500 की संख्या को पार कर गया है, उनके लिए नए मतदान केंद्र का प्रस्ताव दिया गया था।